सोचे नहीं थे कि अपना फर्स्ट टाइम में ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट लॉन्ग राइड था ये अपना ड्यूक के साथ, और ये सब अभी झेलना पड़ रहा है। एक टाइम के लिए सीरियसली बोल रहे, मेरे को लगा था कि ये बाइक, मतलब ये राइड हम कर ही नहीं पाएंगे, बाइक इधर ही छोड़ के मेरे को जाना पड़ेगा। सो गाइस, आज की व्लॉग शुरू होती है झारखंड के कुछ अलग तरफ से। लास्ट व्लॉग जो देखे थे वो था झारखंड का कुछ अलग तरफ से। सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, एंड आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। मैंने बहुत दिन से प्लान करके रखा हुआ था कि अपना ड्यूक जब आएगा तो ड्यूक को लेके फर्स्ट राइड मेरे को ये झारखंड का ये दो जगह करना है, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। एक जो लास्ट वीडियो आप देखे हो मैसेंजर का, वो जगह मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। और अभी जो जा रहे हैं, अभी जाने का प्लान है त्रिकुट। जी हाँ, त्रिकुट पर्वत जो है उधर जा रहे हैं, एंड उधर से शायद उधर से थोड़ा ही आगे है देवघर। तो हैदर है कार में एंड चार भाई है, सो सब जा रहे हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और अपना आप लोगों के लिए अपना ड्यूक के साथ एक व्लॉग भी बना लेंगे। तो सोचे थे इसको लेके जाएंगे पहाड़ियों में फर्स्ट टाइम। तो मैसेंजर हो चुका है, मैसेंजर लास्ट व्लॉग आप लोग देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हो, आई बटन पे लिंक आ रहा है। और अभी जा रहे त्रिकुट पर्वत, उधर का सीन बहुत बढ़िया है जितना तक सुनने को मिला है। रोप वे भी है, तो देखते हैं रोप वे में क्या होता है, सीन कैसा है, तो शायद चढ़ेंगे अगर होता है तो। और बाकी क्या करते नहीं करते अभी तो पता नहीं है, चलते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखो, एंजॉय करो। और इधर का रोड जो है भाई, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था झारखंड का रोड जो है मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, बहुत मज़ा आता है झारखंड का रोड में। और रोड अगर अच्छा मिल जाए तो बाइक चलाने का मज़ा डबल हो जाता है। और आपके पास जब ड्यूक T90 हो, अच्छा खासा पावर हो इसमें, एंड क्रूज करके ज़्यादा खींच के मेरे को मज़ा नहीं आता है, मतलब बाइक के हिसाब से। लेकिन इसको क्रूज़ करेंगे 60-70-80 इसके अंदर आराम से जाता है, बहुत स्मूथ जाता है। अभी से यार क्या बढ़िया सीन आना चालू हो गया, मतलब बहुत सारा पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ के साथ साथ पूरा जंगल भी दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ जंगल है और बीच से रोड जा रहा है, बहुत बढ़िया सीन मिल रहा है। अभी ये आ गया मेन रोड, इधर से दुमका जाना है किधर, दुमका देवघर, इधर से 100 किलोमीटर। ये देखो सामने पहाड़, क्या बढ़िया सीन दिख रहा है भाई, सीरियसली बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पूरा पहाड़ है, सामने एक और जंगल मिलेगा शायद, उसको काठी कुंड का जंगल ऐसे कुछ बोलता है। ओए होए होए, क्या सीन है भाई, गजब का सीन है। ये जो आप लोग देख रहे हो इसको लेके, मतलब कम से कम थर्ड टाइम है ये, थर्ड टाइम मेरे को कहीं पंचर ठीक करने वाला दुकान में रोकना पड़ा। फर्स्ट एक मतलब पंचर था वो बीच में, वो एक जो आता है एक डाले वो कुछ देर बाद निकल गया, फिर उसके बाद दोनों एक साथ डाले वो है निकला नहीं है, लेकिन हवा साइड से निकल रहा है। फिर इधर रोके हैं, रोक के अगर फिर देख रहे अगर होता है, कि अगर हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे नहीं पता, क्योंकि इधर अंदर से जो होता है मतलब लगने वाला होता है अंदर से फिक्स किया जाता है, वो इधर होगा नहीं और नया टायर इधर मिलेगा नहीं। और सच्ची में यार सोचे नहीं थे कि अपना फर्स्ट टाइम में ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट लॉन्ग राइड था ये अपना ड्यूक के साथ, और ये सब अभी झेलना पड़ रहा है, मतलब कंटिन्यूसली यार कम से कम आधा एक घंटा से मैं खाली एक बार हवा डाल रहा हूँ आगे जा रहा हूँ, फिर से वैसे ही है, फिर से वैसे ही, मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, और वही प्रॉब्लम आ रहा है। जुगाड़ हुआ है अभी, मतलब भाई ने क्या किया, वो फेविक्विक लगा दिया, मतलब वो फिर से डाल के अभी देखते कब तक ये चलता है, ऊपर वेस्ट देखते, अगर पूरा चल गया घर तक तो सही है, नहीं तो फिर से मेरे को फिर से पैसा डालना पड़ेगा, फिर से वो अंदर डालना पड़ेगा, ऐसे करते करते क्या होगा नहीं पता। ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब बहुत ही बड़ा नदी है, एंड वो रेल ब्रिज है कि नहीं पता, मतलब सीन बहुत अच्छा आ रहा है, नीचे गाय बकरी सब चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये साइड भी है और दूर में पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये जो नदी देखी है ये देख के अपना
सिक्किम एंड दार्जिलिंग जो ट्रिप किए थे उसमें जब हम लोग सिलीगुड़ी से मतलब गैंगटॉक की तरफ जा रहे थे तब ऐसा एक जगह आया था, मतलब पूरा ऐसा ही देखने को लगा था। देख के मेरा वही याद आया कि वो जो नदी था उसमें पत्थर था, लेकिन इसमें पत्थर नहीं है, पूरा रेत है, मतलब बालू है। सो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दूर में पहाड़ जब दिख, मतलब एक साथ देखे थे नदी और पहाड़ एक फ्रेम में आ रहा था, तो देख के वो याद आ गया। कब जाएंगे क्या पता यार। सो मैं ये साइड से आया और इधर मेरा राइट साइड में आता है ये त्रिकुट पहाड़। ये गेट लगा हुआ है इसका, मतलब गेट में लिखा हुआ है, और ये सामने लग रहा है जो पहाड़ इसी का नाम है शायद। और मेरा कॉल आ गया। ये रोड अगर वैसा रोड मिल जाता ना, बहुत बढ़िया वाला रोड, तो मतलब क्या सीन आता यार। ये रोड की वजह से थोड़ा बहुत मतलब माइनस जो मिलेगा ये मेरे हिसाब से रोड के लिए मिलेगा। चलो चलो चलो, फोन लेके चल जाएगा पूरा। मतलब पहाड़ के ऊपर वो रोपे सभी उतरे और इधर से ड्रोन फ्लाई जरूर से करेंगे। अभी आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं। ओह माय गॉड, गोप्रो से दिखा रहे क्योंकि ज़्यादा वाइड दिखेगा, आपको मज़ा भी आएगा एंड स्टेबलाइजेशन भी है इसमें। सीरियसली बहुत बढ़िया अमेजिंग व्यू है। और ये जा रहा है रोपवे एकदम नीचे, इधर से दिखाई भी नहीं दे रहा है कितना नीचे, वो रहा नीचे एकदम नीचे। और ये पहाड़ का ऊपर ही है, पूरा जंगल टाइप का है। आप लोगों का ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा, और फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा कुछ ब्लॉग कर रहे हैं, सीरियसली मतलब फर्स्ट टाइम इतना दिनों से ब्लॉग कर रहे हैं कभी ऐसा ब्लॉग नहीं किए। और आप लोग पीछे बैकग्राउंड देखो और बैकग्राउंड सिनेरी देखो। अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे गए थे जहाँ से ड्रोन शॉट लिए, अभी इधर से जाने पड़ते ऊपर, अभी ऊपर जा रहे हैं। और ये रहा बंदर, बहुत ही बंदर देखने को मिलता है इधर, इधर सब बंदर लोग खाना ले लेता है, मतलब जो भी हाथ में दिखता है खाना। तो मुझे डर लग रहा है कि कैमरा मेरा ना छीन ले, बहुत सारा है। जो भी इधर कुछ खरीद रहा है ये लोग लेके भाग रहा है। ये बंदर
अभी अपना कांच खुला था तो अंदर जा रहा था। ये रहा पार्ट जो उसको ऊपर गए थे, इधर से है प्रॉपर। सभी निकलते हैं, खाने का प्लान है कुछ, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगा है और मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कैमरा में जो है चार्ज एकदम ही नहीं है और एक बैटरी पूरा डेड है, मतलब चार्ज था ही नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं था, तो इसीलिए वो मतलब रखा ही हुआ है और इसको अभी चार्ज में डालते हैं। तो अभी पहाड़ में चढ़े, इतना इधर उधर घूमे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा अब तक, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना ताकि ऐसे ही बहुत सारा वीडियोस आप लोग देख पाओ। आई लव ट्रैवलिंग यार, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, सीरियसली मैन, बहुत मज़ा आता है मेरे को। देवघर जो सिटी है वो त्रिकुट से मतलब वही 18 से 20 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो इधर ही आ गए थे लंच करने ताकि थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए। उधर था लेकिन उतना खास कुछ रेस्टोरेंट नहीं था, तो हम लोग को अच्छा कुछ खाना था तो इसीलिए देवघर में आ गए थे। और इधर आके हम लोगों ने खा लिया, अच्छे से लंच कर लिया। लंच बोले तो अभी 4 बजे निकल गए। अभी घर पहुँचते शायद 6:30-7 बज जाएगा, 2.5-3 घंटा का रास्ता है इधर से, देखते हैं कितना टाइम लगता है। खाना खा के निकलते ही ज़ोरों से बारिश आ गया, थोड़ा दूर आते ही ज़ोरों से बारिश आया तो रुकना पड़ा मेरे को, क्योंकि नहीं तो पूरा भीग जाते। अभी भी कम से कम 80-90 किलोमीटर बाकी है, अगर 10-20 किलोमीटर होता, 30 किलोमीटर होता तो सीधा निकल जाते, लेकिन अभी घंटा भर जाना होगा, 2 घंटा करीब जाना होगा, तो सोचे रुक जाने में ही बेहतर ही है तो इसीलिए रुक गए। तो ये पानी, ये रहा ओरेजो ख़रीदने का यही एक अच्छा रीज़न है कि वाटरप्रूफ है ये, मतलब नीचे से पानी नहीं जाता है लेकिन ऊपर से अगर होगा तो चला जाएगा। तो आप अगर ख़रीदते हो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये शूज़ भी बोल सकते हैं, बूट्स भी बोल सकते हैं, आपका मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। मैं अभी ये ब्रिज से जा रहा था और एक चीज़ देखने को मिला मेरे को, जाने का टाइम दिखा रहे थे आप लोगों को, जो भाई ने पूरा वीडियो देखा होगा शुरू में, यही रोड से गए थे तो पूरा बालू से भरा हुआ था, पानी दिख ही नहीं रहा था, एकदम स्लाइडली कहीं कहीं पानी दिख रहा था, अभी पूरा भर चुका है। सिर्फ वो साइड में आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा खाली है, ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है पानी, कितना स्पीड से पानी जा रहा है आप लोग देख सकते हो। ये जो बारिश हुआ थोड़ा देर पहले, मेरे को लगता है इसी वजह से इतना बारिश आ गया, ये साइड में भी पूरा पानी से भर चुका है, पूरा ऊपर तक चला गया पानी, कितना पानी हुआ होगा सोच लो। मेरे को लगा था कि ये राइड हम कर ही नहीं पाएंगे एक टाइम के लिए, सीरियसली बोल रहे मेरे को लगा था कि ये बाइक मतलब ये राइड हम कर ही नहीं पाएंगे, बाइक इधर ही छोड़ के मेरे को जाना पड़ेगा। सो एंड करते बहुत ही ब्यूटीफुल रोड्स के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी के साथ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज के साथ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अच्छे से वीडियो, और ये वीडियो कोई भी रीजन से आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा सा है क्या लगा कि हमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग गाय बकरी मतलब गाय बकरी सब देखने को मिल जाएगा, एंड गाय बकरी के साथ साथ विलेज भी देखने को मिलेगा, सिटी भी देखने को मिलेगा, पहाड़ भी देखने को मिलेगा, सब मिल जाएगा आपको देखने के लिए।